स्टूडेंट्स हा यू ऑल डेयर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट सिक्स यूनिट ऑफ योर इंग्लिश बुक वन द रिवार तो इसमें फिलोसफिकल जो है वो स्टोरी है और इसमें बताया गया है कि इंसान को किसी काम के लिए अगर वो जहन में इरादा करता है कि वह यह काम करूंगा तो उसको कितनी देर तक कोशिश करनी चाहिए तो उसमें एक रोल है किरदार है जो कहता है कि मैं ये काम करके छोड़ूंगा चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए और फिर वो उस पर लगा रहता है और आखिरकार वो उसको अचीव कर लेता है लेकिन जब अचीव करता है तो उस वक्त वो उसका फायदा नहीं उठा सकता क्योंकि बूढ़ा हो चुका है तो उसने सारी उम्र लगा दी अपनी उस अचीवमेंट में उस अचीवमेंट को हासिल करने में तो मतलब कामयाबी हासिल करने में उसने सारी जिंदगी लगा दी तो बहरल ये स्टोरी है कि इसमें बताया गया है कि हमें कितनी देर कोशिश करनी चाहिए तो बहरल मेरा ख्याल है कि इंसान को जो है वो कोशिश करनी चाहिए तीन दफा बाज ऐसी चीजें होती है जिसके लिए सारी उम्र कोशिश करनी होती है जैसे कोई आ, हक की तलाश है या नॉलेज की तलाश है तो ये इसके लिए तो सारी उम्र कोशिश होती है लेकिन बाद ऐसी कामयाबी होती है जो वक़्त के साथ यानी एक खास उम्र तक ही हासिल करने के लिए जो है वो उसकी एक मुदत होती है जैसे कोई मिसाल के तौर तो पर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए सारी उम्र तो नहीं जेदोज करना चाहिए बरा मेरा ख्याल है कि तीन एफर्ट्स ऐसे काम के लिए करना चाहिए मुख्तलिफे जो हमारी गोल्स जो मंजिलें हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होगी तो ऐसी मंजिल जो और भी हमारी मंजिल जो हम उसको बदल सकते हों तो हमें दूसरी मंजिल की तरफ चला जाना चाहिए तीन एफर्ट्स के बाद लेकिन बाद ऐसी गोल्स होती हैं जो जिंदगी के लिए ही पूरी जिंदगी के लिए हम जिस पर जो है वो अमल करते हैं तो लेट स्टार्ट द ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन के दौरान में भी कुछ हम बातें करेंगे थैंक यू लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन लेसन नंबर सिक्स द रिवॉर्ड द रिवॉर्ड मीन प्राइज गिफ्ट या किसी के काम का सिला लॉर्ड ड्रजनी ने लिखी है तो और टाक एट द क्लब वनडे एक दिन हमारे गुफ्तु का मौजू क्लब में बैठे हुए हमारी गुफ्तु का मौजू था अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन अपॉर्चुनिटी मौका यानी किसी चीज़ का मौका मिल जाए तो मौका जो है ना वो मैं ज़रा बता दूँ कैसे लिखना है आ, मौका इस तरह लिखना है वो दूसरा ना लिख देना जो है के बगैर वाला उसमें ये जो दूसरा वो इस तरह होता है ना जो वो नहीं लिख रहा उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जो कोई चीज़ जो वाक़ हो यानी इसका मतलब क्या होता है वाक्य होना यानी कोई चीज़ वाक्य होना कोई जगह यानी ना यानी हमारा घर जी टी रोड पर वाक़ है तो ये मौका नहीं लिखना बल्कि ये वाला मौका लिखना है ठीक है तो मौका तो, मतलब तो अपॉर्चुनिटी का मतलब एक मैंने इसका तर्जमा वैसे किया हुआ है और मैंने इस पर जो है वो काफ़ी लिखा भी हुआ एक बुक है तदबीर और तकदीर तो इसका तर्जमा अगर हम तदबीर और तकदीर कर दें तो ये मतलब होगा कि डिटर्मिनेशन हमारी तदबीर है और अपॉर्चुनिटी हमारी तकदीर है तो तदबीर और तकदीर में कौन सी चीज़ ताकतवर है लाजमी बात है कि तकदीर ही ताकतवर है हमारे डिटर्मिनेशन से क्या होता है अब इसमें स्टोरी में यही साबित होता है कि डिटर्मिनेशन से वो चीज़ जो हासिल भी हुई तो वो बेकार साबित हुई तो अपॉर्चुनिटी यानी जो मौका मिलता है हमें काम का चांस जो मिलता है अपॉर्चुनिटी का मतलब जो चांस मिलता है यानी तो तकदीर जो लिखी होती है सम सेड अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड फॉर सक्सीड कुछ कह रहे थे कि तकदीर होनी चाहिए यानी मौका मिलना चाहिए तकदीर अगर तर्जमा कर दे तो हो सकता है कि वो ना माने अगला तो आपका है मौका ठीक है ना तो कामयाबी के लिए मौका होना चाहिए मौका मिलना चाहिए एंड मिलियंस नेवर हैडिट और लाखों लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता अदर्स दैट ओनली डमिनेशन नीडिड और दूसरे कह रहे थे नहीं सिर्फ इरादा ही काफ़ी है यानी हम किसी काम का इरादा करें आपने वो पोइम पढ़ी होगी टेंथ क्लास में ट्राई ट्राई अगेन तो उसमें भी यही कहता है कि बस कोशिश करते रहो और आखिरकार तुम जीत जाओगे लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बज दफ़ा ट्राई ट्राई अगेन जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है तो एक चीज़ बज चीज़ें होती है जिसके लिए हमें ट्राई करते ही रहना है सारी उम्र हिदायत के लिए रहनुमाई के लिए जो हमारी ज़िंदगी का मकसद हासिल होता है उस पर हम ट्राई करते ही रहेंगे लेकिन जो रास्ते में मंजिलें छोटी छोटी आती हैं कि डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है पायलट बनना है या कुछ भी बनना है तो ये छोटी छोटी जो ना, है ना मनाजिल हैं उसके लिए ट्राई ट्राई अगेन वाला फार्मूला नहीं है तो इसने ये वाला फार्मूला लगा दिया आ, उस पर जो चीज़ ज़रूरत नहीं जिस पर मुसलसल लगे रहने की जिसको छोड़ देना चाहिए था तो उस पर लगा रहा तो ये ज़रा फ़र्क समझ लीजिएगा प्लीज़ अगर आपको कोई भी इस मामले में कोई दुश्वारी हो तो मैं फ़ोन नंबर साथ, साथ भेजता हूँ तो आप मुझसे रबता कर सकते हैं एंड देन जारकन जॉइंड इन फिर इस गुफ्तगु में जारकन भी शामिल हो गया ऑल फॉर डिटर्मिनेशन और उससे वो सिर्फ डिटर्मिनेशन के लिए बात कर रहा था ऑल फॉर यानी उसका मुकम्मल जो ख्याल था वो डिटर्मिनेशन के फेवर में था ऑल का मतलब ऑल इन फेवर ऑफ डिटर्मिनेशन ठीक है ना इसका तर्जा क्या होगा ऑल फॉर डिटर्मिनेशन का मतलब ऑल इन फेवर ऑफ डिटर्मिनेशन के हम इरादा कर लें तो सब कुछ मुमकिन है इफ ए मैन वॉज डिटर्मिन टू गेट एनी थिंग अगर आदमी का इरादा हो वाज का मतलब हो तर्जा कर रहा था नहीं करना एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ और उसके साथ वो लगा रहे लगा रहे मतलब उस पर जुता रहे लगा रहे काम उसे हसल करने ही गॉडेड तो वह हासिल कर सकता है जारकनज ने कहा एनी थिंग आज टर्बट तो ये टर्बट दो किरदार आ गए एक जारकंस है और दूसरा ये टर्बट टर्बटट ने कहा कि कुछ भी हासिल कर सकता है एनी थिंग जारक रिप्लाइड तो यहाँ पर जॉर्क मेरे ख्याल में जो है वो गलती कर गया हर चीज़ नहीं कुछ चीज़ें टर्बट ने पूछा है एनी थिंग तो ये आ, इसका मतलब था कि हर चीज़ तो जारकंड ने कहा हाँ हर चीज़ सो लॉन्ग एज स्टिक्स टू इट जब तक वो उसके साथ लगा रहेगा स्टिक्स मतलब उस पर काम करता रहेगा एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ और मुसलसल लगा रहे देर तक लगा रहे एनी थिंग वट एवर जो भी चाहे हर चीज़ वो हासिल कर सकता है टर्बट डिस टर्बट नहीं माना लाइफ इज़ लाइक ए रेस जिंदगी एक रेस एक दौड़ की माना था जॉर्क ने अब अपने जो उस बात के हक़ में जो दलाल देना शुरू कर दी तो वो कहता है कि ये रेस है इन विच दे टायर आफ्टर वायल एंड सिट डाउन और गेट इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स इंस्टेड तो ये वो कहता है कि बाज़ होते हैं लोग थक जाते हैं टायर हो जाते हैं थक जाते हैं और बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद वो किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लग लग जाते हैं है। द मैन हु कीप्स ऑन विन्स द रेस लेकिन जो थकता नहीं है जो लगा रहता है तो वो आखिरकार रेस जीत जाता है एंड सपोज अ मैन वांटिड टू बी स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा अब उसने एक नामुमकिन सी बात बताई टर्बर्ट ने कि सहारा के वहाँ पर वो स्केटिंग चैम्पियन बनना चाहता हो तो अब सहारा सहरा इतना बड़ा उसमें स्केटिंग कहाँ पर और फिर चैम्पियनशिप कहाँ पर और कहाँ पर लोग वहाँ जाए चैम्पियनशिप के लिए सहारा में एंड कूडेंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सहारा जा भी सके तो फिर मेक द मनी तो वो पैसा कमाएगा <laughs> सेट झारखंड अजीब सी बात की है बहुत सारे लोग बेशुमार मेहनत करते हैं लेकिन दौलत नहीं हासिल कर पाते और बहुत सारे लोग बगैर दुश्वारी के छोटे से काम से बहुत सारा पैसा बना लेते हैं तो उसने कहा कि हीड मेक द मनी यानी ऐसे जैसे ना वो पैसा जो है वो इंसान के हाथ में इंसान के हाथ में नहीं है ये अल्लाह ताला के हाथ में जिसको चाहे जितना दे बिल्कुल भी इंसान के हाथ में नहीं है कि वो कुछ भी कर सके इस मामले में <coughs> रजाक सिर्फ रब जॉर्क ने कहा कि वो पैसा कमाएगा एंड विल बिल्ड ए स्केटिंग रिंक इन दहारा फिर वह उसके बाद जो सहारा में स्कीटिंग <coughs> रिंक भी बनाएगा एंड ऑर्गेनाइज ए कम्पिटिशन देयर और वहाँ पर एक मुकाबला भी मरक् करेगा फिर वी स्केटिंग चैम्पियन आर राइट और वो वहाँ पर स्केटिंग चैम्पियन भी बन जाएगा इफ़ ही रियली गिवस ऑल हिस्स टाइम टू इट अगर वो उसी पर लगा रहे तो वो एक दिन स्केटिंग चैम्पियन ख़ुद भी बन जाएगा कुड ये केस लाइक दैट आस्ट वन ऑफ अस हम में से जो बैठे हुए थे ये जो राइटर है ना वो भी मौजूद था लेकिन वो बोल नहीं रहा टर्बट और जारकन्स ही बोल रहे हैं तो ये टर्बट और जारकन्स लिखने कैसे हैं ये ज़रा देख लें इस तरह टर्बट लिख लें जो है वो इस तरह लिख लें तो वो कहता है कि कोई ऐसा वाक्य पेश आया है तो कुर्जय केस लाइक ऑफ अस हमें से एक ने पूछा कोई कोई इस तरह का मामला केस का मतलब मामला कोई पेश आया भी है कोई हमें बता सकते हो ऐसा कोई मामला हुआ हो ऐसा कोई वाक्य पेश हो केस का मतलब मामला वाकया एज ए मैटर फैक्ट आई कैन सच्ची बात तो ये है कि मैं बता सकता हूँ सेट जॉर्क वेरी सिमिलर केस बिल्कुल इससे मिलता जुलता मामला इससे मिलती जुलता वाक्य केस का मीनिंग मैंने दो की है वाक्य या मामला लेट अस हियर इट का मतलब है कि चलो सुनते हैं या सुनाइए ये।, ये दोनों तर्जमें सेटर मैंने कहा फिर सुनाइए तो या फिर ये भी कह सकते हैं कि चलो सुनते हैं तो एक नौजवान आदमी था जॉर्क ने कहा टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग दैट वी हैव बीन सेइंग नो जिसके वालदे वही बात कहते थे जो अभी हम कह रहे थे यानी उसके वालदेन कहते थे कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए डिटर्मिनेशन नहीं तो उसके वालदेन कहते थे कि डिटर्मिनेशन नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी चाहिए and very likely he as many young यंग do may have wanted to prove them wrong और वो आदमी जो था वो जैसे ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि नौजवान नसल अपने जो वालदे और बड़े हैं ना उनको हमेशा साबित करने की कोशिश करती है कि आप लोग पुराने ज़माने के अब नया दौर है और हम नए दौर में आपने जो बनाई हुई हैं जो तफसीलत या मसाइलें वगैरह वो नहीं काम आती अब अब ज़माना बदल गया है तो हम उसको साबित करने के लिए भी कोशिश करते हैं तो ये आप देखिएगा ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इस पर काफ़ी बहस लंबी है इसलिए छोड़ता हूँ एंड वेरी लाइकली ही और इससे लगता है लाइकली का मतलब हो सकता है एज मैनी यंग फेलो डू जैसे बहुत सारे नौजवान ऐसे करते हैं मेरे वॉन्टिड टू प्रूव दैम रॉन्ग वो अपने वालदेन को गलत साबित करना चाहता हो आई डोंट नो पता नहीं इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो तो ये सिर्फ़ वालदान को गलत साबित करने के लिए उसने ये सब कुछ काम किया बड़ी पुरानी बात है बट वाट एवर इज़ मोटिव वाज लेकिन जो भी उसका मोटिव मकसद था